अलैकुम। सबसे पहले आप एक बार दुरूद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। मैं हूं नवीद इत्यास पनूहा, मौजूद हूं अटवाला में दरिया चनाब के किनारे। मेरा फार्म है, वहां पर हम राया की काश्त कर रहे हैं। आज अक्टूबर की 4 तारीख है। आज का मौजू ये है कि राया की कौन सी अकसाम काश्त करें, राया की सबसे बेहतरीन अकसाम कौन सी है। तो राया, पहले तो ये फ़र्क महसूस कर लें, जान लें, हमारे दूसरे वीडियोज़ में भी हमने आपको बताया हुआ है कि कैनोला और राया में क्या फ़र्क है। कैनोला में ये है कि आपकी फसल की बर्दाश्त के जो भी मराइल होंगे उसमें शटरिंग का इशू, उसमें फली से दाना गिरने का अमल ज़्यादा होगा, जबकि राया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कैनोला में आपने कटाई लेट करवा दी, दाना कटाई करवा के ढेरियाँ रखवा दी, वहाँ भी दाना ढेरियों के नीचे गिरेगा। आप वहाँ से उठवा रहे हैं, फली है उसमें डलवा रहे हैं, उस दौरान भी गिरेगा। फली उठा कर यहाँ से उठा कर वहाँ पर ले के जा रहे हैं, इस दौरान भी कैनोला से दाना गिरेगा। इन सब मराहल में कैनोला से दाना गिरता है, जो कि फार्मर एफिशिएंट ना हो, जिसकी लेबर उसके कंट्रोल में ना हो, जिसके राया में ये सब कुछ करना सेफ्टी है। जो मराहल है उसमें आपने कटाई पड़ी रही है, बारिशें आ गई हैं, तो इसका नुकसान नहीं है। हाँ, कैनोला और राया अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर से बर्दाश्त कर रहे हैं तो उसमें कंबाइन आपके पास तबक मौजूद है, तो आप कैनोला में भी ठीक हैं, आप राया में भी ठीक हैं। उसमें 60% से 70% पीली हो जाए उस वक्त हार्वेस्टर लगा लेनी चाहिए। इस दफ़ा पंजाब में काश्त में तमाशा है, मुझे लग रहा है सिंध में भी काश्त है, काफ़ी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से, तो मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा जो मसाइल हैं वो हार्वेस्टिंग के वो ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए आपको जो है ना वो हार्वेस्टर का ही बंदोबस्त करना चाहिए, लेबर की निकाल शायद आपको ज़्यादा होगी। तो राया की जो वैराइटीज़ हैं उन हवाले से मैं आपसे बात कर लूँ कि राया में जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है पायनियर मस्टर्ड राया, फिर उसके बाद आ जाता है सुपर राया, उसके बाद फिर सोनी गर्मीता है, फिर इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के राया मौजूद हैं। कल मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें किसी कंपनी ने उसमें जो सीड था, सीड का ओरिजिन था वो सुपर राया था, उसमें खूबसूरत पैकिंग में 2 kg का पॉलीथीन पैक था, खूबसूरत उसमें सारी ग्रेडिंग वगैरह करके उसने बहुत अच्छा पैक किया हुआ था, लेकिन वो वाला सुपर राया वो बेच रहे थे 1500 रुपये में 2 kg, 1000 रुपये में कुछ लोग 2 kg बेच रहे। तो जो इस वक्त मार्केट में मौजूद है वो पायनियर का जो हाइब्रिड मस्टर्ड राया, जो कंपनी कह रही थी कि जी हमारा हाइब्रिड है, वो सोर्स उसका जो था वो इंडिया से था, इस हुकूमत ने आते ही इस हुकूमत ने जो भी बीज थे इंडिया से आ रहे थे उसने बैन लगा दी। अब मार्केट में 3 साल से पायनियर मस्टर्ड राया अवेलेबल नहीं है, तो कुछ हमारे जो कारोबारी हजरात हैं जो अल्लाह उनको हिदायत है, वो ये कर रहे हैं कि जी वही जो पायनियर की जो क्राप थी उसी का जो क्राप की जो फसल थी उसको उनके पास शायद पड़ी हुई थी, वो उसको ग्रेड करके उसी तरह थैले प्रिंट करवा के मार्केट में वो कह रहे हैं जी हमारा 2019 का माल है, जो कि टोटल ड्रामा है, टोटल आपके साथ धोखा है, और वो भी महंगे दामों बेच रहे हैं। तो पायनियर वाला आप किसी से खुदा रा अपने ऊपर जो है ना वो जुल्म ना करें, आप इन माफियाज़ को अपना खून ना पिलाएं। तो ये पायनियर के नाम से मार्केट में इसका कोई भी मौजूद नहीं है, जो कि 2 नंबर है, आप लालच में ना आए। उसका अल्टरनेट बेहतरीन हमारे फैसलाबाद ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, हमारे ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बेहतरीन इसका जो रिप्लेसमेंट है वो है हमारा सुपर राया। सुपर राया 2-3 साल से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ कि कहीं पायनियर वाले भी रिपोर्ट कर रहे थे जी हमारी सुपर राया से कुछ ज़्यादा आई है, कुछ दोस्त सेंस से भी रिपोर्ट कर रहे थे जी हमारी पायनियर से इसकी पैदावार सुपर राया की ज़्यादा आई है। तो सुपर राया आपको पंजाब सीड कॉरपोरेशन से 5 kg का बीज का थैला आपको 1050 रुपये में मिल जाएगा। पंजाब सीड कॉरपोरेशन के जो मेन ऑफिस हैं मुल्तान, लाहौर, भावलपुर, इनके जहाँ जहाँ भी हैं वो उनकी वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। दूसरा ये कि उनके जो डीलर्स हैं आपके एरिया में कहीं ना कहीं पंजाब सीड कॉरपोरेशन का डीलर बैठा होगा, उसके पास शायद 1050 पर ना मिले, कुछ डीलर साहबान भी अपने बगल में चुड़ियाँ दबाए बैठे होते हैं, वो 1050 की बजाय 1200-1300 रुपये में भी सेल कर रहे हैं, लेकिन वो आपने देखना है कि आपके पास जो सब अवेलेबल है। ये इस वक्त मार्केट में सबसे सस्ता सोर्स 210 रुपये किलो में पंजाब सीड कॉरपोरेशन का है, बाकी इसके बाद आप जहाँ भी जाएंगे रेट ज़्यादा होंगे। और अगर आपने रिसर्च से लेना है, वहाँ से आपको बीज की दस्तियाबी चाहिए, तो एक नंबर है, मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, उस पर 03146268 6 03 64 63 86 आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको कितना सीख चाहिए रिसर्च से भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि आपको इसमें
सुपर कैनोला और जो दूसरी हमारे रिसर्च की वैरायटीज है सैंडल कैनोला है, और फिर इनकी नई वैरायटी आ रही है कैनोला में, वो भी मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो अप्रूव हुई है। और बाकी जो राया के अलावा कानपुर आया है, सुपर आया, ये हम आपको वहाँ से रिसर्च से भी अवेल करवा सकते हैं। रिसर्च का रेट कदर ज़्यादा होता है, तो सीड की दो ही सोर्सेज है मेरी नज़र में, एक पंजाब सीड कॉर्पोरेशन है, दूसरा हमारा रिसर्च है। जो मेरा भी आया हुआ ये सारा रिसर्च से मैंने मंगवाया है फैसलाबाद से। तो आपको अगर बीज चाहिए तो इस नंबर पर हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपको अवेलेबिलिटी करवा देंगे। बाकी इसके अलावा जो मार्केट में आपको जो दूसरी वैराइटीज हैं, कुछ लोग सोनी दत्ती का राया लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता, ना मेरे ट्रायल्स में आई है, ना ही मैंने कहीं चेक किया है कि सांदल ये जो इनका है सोनी दत्ती का राया है कि क्या ये सुपर आया से बेहतर है, लेकिन मेरी जो अब तक इन्फॉर्मेशन है सोनी धरती वालों की यील्ड सुपर आया से कम है। सो मेरे ख्याल में सबसे सस्ता और बेहतरीन सोर्स आपके पास सुपर आया जो दस्तियाब है वही लगा लें। इसका यील्ड पोटेंशियल 40 मन तक है, और इसमें जो फार्मर यील्ड मैंने देखी है दरमियाना ग्रोअर 25 मन ले जाता है। अच्छा मौसम हो दरमियाना ग्रोअर 25 मन बासानी ले जाता है, अच्छे ग्रोअर 25 से 30 मन ले जाते हैं।